लो फेस और बुरा वक्त लाइफ में एक अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह होते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं और जाते ही नहीं हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसा होते हैं जो इन परिस्थिति में इजीली बाहर आ जाते हैं, रादर इग्नोर कर देते हैं ऐसे कोई मेजर इवेंट भी अपनी लाइफ में, और कई लोग उसी में फंसे रहते हैं और कभी निकल ही नहीं पाते हैं। हमने बहुत बारी ऐसे UPSC टॉपर्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टॉपर्स के बारे में सुना है जो एग्ज़ाम में तो टॉप कर गए लेकिन अपने कॉलेज या जूनियर लाइफ में फेल भी हुए थे। तो ऐसा क्या चीज़ है जो उनको स्टैंड आउट करती है, जो उनमें है बाकी लोगों में नहीं है? आज इस वीडियो में मैं ऐसी 5 इजी टिप्स डिस्कस करूंगी जो आपको नेक्स्ट लो फेस के लिए तैयार करेंगे और आपको चुटकी बजाते ही बाहर निकाल देंगे। माई नेम इज़ जसप्रीत कौर एंड आई एम प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट इन गुड़गांव। मैं अपनी वीडियोस में मेंटल हेल्थ इश्यूज और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती हूँ, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इफेक्टिव सॉल्यूशंस आपसे मिस ना हो। टिप नंबर 1 है, मेंटली स्ट्रांग पीपल दे डू नॉट ओवरथिंक। उनको मालूम होता है किसी भी प्रॉब्लम को ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मैं किसी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचती रहूँगी तो मेरे जो नेगेटिव इमोशंस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं, बस वही बार बार मुझे एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। सोचने से सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। तो ये लोग अपना फोकस प्रॉब्लम से हटा के सोल्यूशन पे लाते हैं, प्रॉब्लम एरिया में जाएंगे, सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करेंगे और उस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। सो दीज पीपल डू नॉट ओवर थिंक। टिप नंबर 2, दे एम्पेथाइज विद अदर्स एंड गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। जैसे कि सपोज अगर मैं ऑफिस जा रही थी कार से ड्राइव करते हुए, कोई पर्सन मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास से बहुत रैशली ड्राइव करके ले गया अपनी गाड़ी, तो रादर देन कि मैं अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करूँ, उसको कर्स करूँ, एक ओपिनियन ये भी हो सकता है वो पर्सन मेडिकल इमरजेंसी में हो सकता है उसका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट हो और उस इमरजेंसी में जाने के लिए उसने इतना परवाह नहीं किया कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास से ले गया। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो दूसरे पर्सन्स को कोसने की बजाय इतना समझते हैं कि किसी पर्सन ने ऐसा बिहेव किया होगा तो हो सकता है उसका कोई जेन्युइन रीज़न हो। इतना ही करने से वो अपने माइंड को स्ट्रांग बना लेते हैं। टिप नंबर 3, दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ विल पावर। उनको मालूम होता है कि बहुत सारी बैटल्स लाइफ में सिर्फ साइकोलॉजी से, माइंड से जीती जा सकती हैं, इसलिए वो अपनी विल पावर को हमेशा बूस्टअप करते रहते हैं। बहुत सारे लोग फास्ट करने की कोशिश करते हैं वेट लूज करने के लिए, एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, जिम जाने की कोशिश करते हैं, पर एक दो दिन के बाद नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग पर्सन होता है वो अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग रखता है, अपनी विजन को इतना स्ट्रांग रखता है, वो डेली जिम जाएगा, डेली फास्टिंग करेगा और जब तक अपने गोल को अचीव नहीं करते तब तक वो अपनी विल पावर को नीचे नहीं आने देते। टिप नंबर 4, मेंटली स्ट्रांग पीपल अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल सर्कल को बहुत वाइजली चूज करते हैं। उनको मालूम होता है उनके ग्रुप में कौन कौन से नेगेटिव लोग हैं, कौन कौन से नेगेटिव रिलेटिव्स हैं जो नेगेटिव एनर्जी एमिट करते हैं, आपके पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेते हैं, जिसे हम एनर्जी सकर्स या वैम्पायर्स जैसे वर्ड भी यूज़ करते हैं। वो अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट ना करके, बल्कि जो लोग उन्हें बूस्ट करते हैं, उनके मोटिवेशन को और बढ़ाते हैं, उनके साथ स्पेंड करते हैं। टिप नंबर 5, मेंटली स्ट्रांग पीपल अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्पॉर्टेंस देते हैं, अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करते हैं। डेली रूटीन में कुछ टाइम वो अपनी बॉडी पे फोकस करते हैं, जिसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम हो सकती है, जिमिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, जो उनके बॉडी को हेल्दी रखे, डिजीज फ्री रखे, उस पे इन्वेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इजी टिप्स डिस्कस की मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।